नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कन्हैया कुमार के बतौर स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस की दयनीय दशा और वैचारिक दरिद्रता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल है या फिर वामपंथियों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। आखिर सैकड़ों राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाकर अपने राजनीतिक चरित्र को बेनकाब कर दिया है। साथ ही ऐसे वैचारिक भटकाव के चलते इतिहास बनाने के दावे करती कांग्रेस बहुत जल्द इतिहास बनने की ओर अग्रसर हो गई है। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज स्टार प्रचारक है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, ऐसा जो व्यक्ति कहता है वह आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। और भारत माता की जय, ये जो हमारा एक नारा है, इस नारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है, और हम सब भारतवासी अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानते हैं और उसकी हम जयकारा लगाते हैं। ऐसे जयकारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। बंधुवर, सेना के जब 72 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे, तब जेएनयू में जो व्यक्ति डफरी बजा बजा करके और घूम घूम करके जश्न मना रहा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। ये दुर्भाग्य है। आज हम सब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि ऐसा राष्ट्र विरोधी और संस्कृति विरोधी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनते जा रहा है। इसलिए हम सब सोचने के लिए मजबूर हैं कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब जो है देश विरोधी जितनी भी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक गिरोह मात्र है, और ऐसे गिरोह का एक सदस्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, बिलासपुर में कन्हैया कुमार। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता शांत जनता है, देशभक्त जनता है, और छत्तीसगढ़ की देशभक्त जनता ऐसे राष्ट्रभक्त जनता है जो ऐसे राष्ट्रविरोधी मानसिकता के लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जब ऐसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। इनका आना ही इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है, और अब तो मुझे लगता है उनको अपने जमानत के भी लाले पड़ेंगे। हम इस बात को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राष्ट्रभक्त जनता ऐसे राष्ट्रद्रोही मानसिकता को सबक सिखाना जानती है। आने वाले चुनाव में सभी चरणों में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी, और एक बार फिर निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर जिले के किरंदुल गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व के लंगर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। आपको बताते चले कि गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था, जिस मौके पर लंगर का आयोजन किया गया था। वहीं पास के ही बड़े पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था। भीड़ के शोर और धुएं की वजह से मधुमक्खियों ने लंगर पर हमला कर दिया था, जिसमें 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें NMDC परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज लगातार जारी है। हम गुरुद्वारा पे सेवा देने गए थे और काफ़ी ज़्यादा मक्खी किसी वजह से उड़ रही होगी, है ना,
तो नक्सलों ने हमला कर दिया सभी लोगों के जो भी सेवा कर रहे थे वहाँ पर जी, और अपनी अपनी जहाँ से भी दिशा मिला, जहाँ से रास्ता मिला, लोग अफरा तफरी में भागे अपने आप को बचाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ थी। कितने लोग रहे होंगे उस समय? सेवा करने वाले शुरुआत ही था, 20-25 लोग लोग सेवा दे रहे थे, चटाई उठाई बिछा रहे थे लंगर में खाना खिलाने के लिए। लंगर में भी काफ़ी लोग आए होंगे? लंगर में हाँ, पूजा के समय तो बहुत लोग थे, लेकिन अंदर आज कर रहे थे, बाकी हम लोग इधर चटाई उठाई बिछा रहे थे। 100-150-200 की संख्या में आसपास, 100-150 के आसपास होने चाहिए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? चोटें नहीं, हाँ मतलब डंक जो मारा लगी जी, तो कहाँ कहाँ काटा आ गया? अब कहाँ कहाँ काटा, गिन पर बहुत ज़्यादा काटा है, सर में या सर पे, कंधे पे, नाक में, कान में, मुंह में। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे? हम बहुत जल्दी से, मैं सोचा कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच के दवा दी। कितने लोग पहुँचे होंगे हॉस्पिटल में? अब इसकी गिनती तो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 9-10 लोगों का काटा होगा, बच्चों को, एक बच्चे भी थे शायद सुनने में। अभी कैसा ठीक लग रहा है? हाँ, डॉक्टर ने दवा दिया है, महसूस ठीक हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, इसके बाद में दूसरे चरण का और तीसरे चरण का मतदान होगा। बाद में दो चरणों के लिए राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लगातार सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के लिए जरिए जो है वो भीड़ इकट्ठा कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में संगठनात्मक बैठक सम्पन्न हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट। जिला मुख्यालय में आज बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई है, जहां बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मौके पर मौजूद रहे। बेमित्रा के बीजेपी के आत्मीय स्वागत किया गया, जहां खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, बीजेपी नेता योगेश तिवारी, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधी दायित्व सौंपे गए। हमारे बेमेतरा जिला के आज चुनावी कार्यकारिणी प्रबंधन समिति की बैठक थी, उसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जामवाल जी और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री हैं पवन साय जी आए थे। दोनों लोगों ने मीटिंग ली और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को उन्होंने निर्देश दिया कि कैसे किस ढंग से हमें चुनाव प्रचार करने हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के जो जो काम है, जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसा निर्वहन करना है और बूथों में जाकर कैसे हमें बूथ की बैठक लेकर कैसे हमको बूथ को जीतना है, इस सब संबंधों में हम लोगों की चर्चा हुई है और बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया है। और आने वाला समय हम लोग बिल्कुल उनको विश्वास दें कि बेमेतरा जिले के और दुर्ग लोकसभा हम लोग ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और अपने बूथ को भी हम लोग जीत के देंगे और उसको सुचारू रूप से कैसे संचालित करना, इसके लिए आज बैठक बुलाई गई। अब की बार 400 पार का जो नारा है, उस पर क्या तैयारी भाजपा की? आज देश में माहौल है पूरा, हर आदमी मोदी जी को 400 पार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हम लोग लगभग, मैं धमतरी विधानसभा को मुझे प्रभारी बनाया गया और मैं कोरबा लोकसभा में भी और रायपुर लोकसभा में भी और महासमुंद लोकसभा, तीनों जगह में आ जा रहा हूँ। चारों तरफ माहौल है, आज देश में मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो निर्माण किया है, हर आदमी चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और आने वाले जो 2047 के जो उन्होंने सपना देखा है, जो भारत स्वतंत्रता के बाद जो 100 वर्ष पूरे होने हैं, उनके रोड मैप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और हमें विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो विकसित हो रहा है, वैसा विकसित भारत पहले कभी नहीं हुआ और इस युग का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। वही खाद्य मंत्री ने कहा कि देश में चारों ओर सिर्फ बीजेपी की लहर है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, जनता पूरी तरह से बीजेपी को जीत दिलाने का मन बना चुकी है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बेमेतरा जिले स्तर के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बैठक था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्मानित जामवाल जी और हमारे संगठन महामंत्री सम्मानित पवन साय जी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने पूरा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और चुनाव जीतने का टिप्स भी दिया और सभी कार्यकर्ता उस बात को लेकर के, संकल्प लेकर के निकले हैं कि बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा सीट हमको जीतना है और प्रदेश के
11 के 11 लोकसभा सीट जिता करके मोदी जी की ढोली झोली में डालना है, यह संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग गए हैं। तो वहीं बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं, जिसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। चरण का मतदान बस्तर से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में विजय संकल्प शंखनाद चुनावी सभा में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ऐसा भारत का निर्माण हो जिसमें कोई गरीब ना हो। हमारी सरकार में आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक हम नहीं समझते हैं, ये हमारे भारत का गौरव है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हमारी सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। दंतेवाड़ा विधानसभा कितने से कैसे लीड करेगी? दंतेवाड़ा विधानसभा तो कम से कम 25 से 30 हजार वोट की लीड से इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और इस लोकसभा से कम 1 लाख से ऊपर वोट से हम जीते। जो भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जी अभी जो लखमा जी ने इस तरह से बयानबाजी दिया था उसमें भाजपा बहुत ज्यादा नाराज चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मोदी जी मरेगा, लखमा जी तो लखमा जी हैं, वैसे भी वो कार्टून की श्रेणी में आते हैं। अब की बार 400 पार का नारा भाजपा का है और दंतेवाड़ा जिला किस तरह से कैसा काम कर रहा है? की बार 400 का हम लोग पार करने पूरे पार करेंगे और अब की बार हमारे पूरे महिला मोर्चा की बहनें जमीनी स्तर तक पूरा कार्य कर रही है। हमारी भाजपा 400 से भी और ऊपर सीट लाएगी मोदी जी का, और मोदी जी ने हमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी महिला को नारी शक्ति के नाम से भी हमारी मोदी जी की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, महतारी बंधन का, और महिलाओं में सशक्त बनने का पूरा वो भी मिला है। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारी महिलाओं का रोजगार चले गया था, हम स्वसहायता समूह की बहनों का, लेकिन आज हमारे मोदी जी और हमारे राज्य सरकार विष्णुदेव देसाई जी की सरकार आने के बाद हमारी महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा है और महिला हमारी उत्साह से पूरा कार्य भी कर रही है और भाजपा फिर से 400 के पार ऊपर है। आपके सभा के बारे में बताएंगे, राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और आप लोग का नारा है 400 पार। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता में बहुत भारी बड़ा उत्साह है। एक्चुअल क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अपना प्रचार तो कर ही रही है बल्कि जनता आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिख रही है और जनता में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के विरुद्ध में है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप को विजयी बनाकर ये लोकसभा सीट जो है। भारत में पूरे भारत में मोदी जी की लहर चल रही है और इसमें किस तरह का क्या रहेगा मोदी जी के द्वारा? भी नहीं, मोदी जी के द्वारा तो लगातार जो है भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है और भारत विश्व की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया है तो 400 पार हम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है और 400 पार के बाद बहुत अहम निर्णय भी लेने वाले हैं मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देंगे थोड़ा? आज हमारे लिए सौभाग्य मिला कि बस्तर के पावन राजनाथ सिंह जी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बस्तर लोकसभा में संयोजन होने लगे, मैं गर्व करता हूँ कि हमारे सभी विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा हो गई, बस्तर सुंदर बानपुरी मंडल में हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा हो गए, आज यहाँ राजेश सिंह जी की सभा है, सभा हुई है
ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को कितनी गहराई से और गंभीरता से लेती है। मैं इस आपके मीडिया की तरफ से सभी की तरफ से मैं राजेश जी का आभार करता हूँ। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी की सरकार बनती है। बीजेपी के 400 पार के नारों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महेश कश्यप के लिए समर्थन मांगा और लोगों से वोट की अपील की है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट जगदलपुर पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 13 अप्रैल को बस्तर में राहुल गांधी की सभा आयोजित होगी। सचिन पायलट ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चुनाव में जीत का दावा भी किया है। बताते चले कि जगदलपुर पहुंचे हैं सचिन पायलट और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा है, वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में राज्य का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां मतदान होगा 19 तारीख को, उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं अब तक जो फीडबैक हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश और पूरे देश से, बदलाव की हवा हर जगह है और मतदाता और जनता मन बना चुके हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में, यहाँ 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, सरकार नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार को छाप नहीं छोड़ पाई है, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। और पिछले 10 साल से जो केंद्र की सरकार है उसका भी आकलन जनता कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हो, किसान, बेरोजगार, नौजवान, उद्योग, निवेश, महंगाई, हर वर्ग के व्यक्ति आज जवाब मांग रहे हैं और अभी भी भाजपा के साथी आकर आगे का आश्वासन देते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जब 10 साल से आपको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, तब आप ना तो महंगाई कम कर पाए हैं, ना लोगों की उम्मीद पूरी कर पाए हैं, सिर्फ जज्बाती मुद्दे बोलकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और अब जो कांग्रेस की रणनीति रही है, हमने जो अलायंस बनाया है उसको देखते हुए, और छत्तीसगढ़ में हर जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों चरणों में बहुत बेहतर बहुमत देकर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और मेरा मानना है कोई भी दावा करे, लेकिन इस बार शायद पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि भाजपा के साथियों को भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए और जिस शब्दावली का प्रयोग आज से पहले हो चुका है शायद नहीं करना चाहिए। हम लोग सिद्धांत की, मूल्य की और प्रशासन की मूल्यांकन में राजनीति करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव प्रचार जो हो रहा है उसमें सभ्यता बरती जाए और विनम्रता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव का संपन्न हो। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से एक दबाव की राजनीति हो रही है देश में, उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। दो मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए एकत्रित किए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और 1994 का नोटिस दिखाकर कांग्रेस के खाते बंद कर देना, ये गलत है। और इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग को पारदर्शिता का प्रमाण दिखाना चाहिए। पाकिस्तान, खालिस्तान, नक्सलियों के साथ मिलकर कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदों पर बैठे लोगों को हर बात को नाप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता हर शब्द का, हर वाक्य को गंभीरता से लेती है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि 10 सालों में, जब 14 में सरकार बनी थी तब क्या वादे आपने किए थे, तब देश कहाँ था। उस समय देश पे जो कर्ज था 50 लाख करोड़ का था, आज 250 लाख करोड़ का कर्ज है। ये जो कर्ज में इजाफा हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति जो हमारा कर्जा बढ़ा है, जो गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है, जो देश में इतने सारे इन्होंने कानून बनाए, किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, नोटबंदी लेकर आए, GST लेकर आए, और जो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। और मुझे लगता है राहुल जी कल आ रहे हैं, ऐतिहासिक सभा होगी और कवासी लखमा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं बस्तर से, वो बड़े बहुमत के साथ जीत कर जाएंगे। राहुल जी आ रहे हैं लेकिन बस्तर कांग्रेस से कई लोग जो है भाजपा शामिल होने वाले राजनाथ सिंह जी के सभा में। अरे भाई, वो हर चुनाव से पहले कुछ कार्यकर्ता आते हैं कुछ जाते हैं, लेकिन जनता मन बना चुकी है, बदलाव की लहर पूरे प्रदेश में। बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जमकर स्वागत भी किया। 13 अप्रैल को राहुल गांधी का बस्तर दौरा होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि जगदलपुर की हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
जमकर स्वागत किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय बीजापुर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जमकर स्वागत भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई। देश में चुनावी माहौल है और पार्टियां जमकर चुनाव की तैयारियों में। चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने चुनाव को लेकर कई क्षेत्रों का दौरा किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजापुर का पहला दौरा किया। सीएम का दौरा मौसम की खराबी की वजह से लेट हो गया। सीएम तय समय से लेट पहुंचे। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री, वन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बस्तर राजा प्रमीर चंद बजदेव हाई स्कूल ग्राउंड नेलसनार पहुंचे, जहां बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। सीएम ने पंचायत मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तेंदुपत्ता आय का मुख्य स्रोत है, जिसे सरकार बनते ही मोदी गारंटी के तहत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 किया गया। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी सभी को अपना परिवार समझते हैं। पीएम ने 10 वर्षों तक देश चलाया। सीएम ने जनता से कहा कि अब अगर कांग्रेस के शासन की बात की जाए तो कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, लोगों को झूठ बोला है। 5 साल शासन करने पर अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कांग्रेस को खाता खोलने नहीं देना है। तो नवरात्रि का अवसर सर, नमस्कार सर, कचहरी लोकसभा चुनाव का संकलन हो चुका है। बस्तर लोकसभा का मतदान प्रथम चरण में ही है, 19 अप्रैल को है और इसके बने हमारी पार्टी के लोग प्रत्याशी हैं, पार्टी के पक्ष में से आशीर्वाद मांगने आए थे। 20 तारीख को सबका सर, बस्तर के जो प्रत्याशी है वो हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री के बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सोचने नहीं उनका मानसिक संतुलन। लोकसभा का संकनाद शुरू हो चुका है। लगातार प्रत्याशियों के द्वारा विधानसभाओं में जाकर प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। वहीं एक बीजापुर एक ऐसा संस्कृत क्षेत्र है जहां पे आज भोपालपट्टनम नेलेसनार में सीएम पहुंचे हैं और सीएम संबोधित में साफ तौर से निशाना साधते हुए कांग्रेसियों के ऊपर सादा है कि वो सारे वादे झूठे कर रहे हैं और लगातार जो वो वादे कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सीएम जब बीजापुर में पहली बार आया तो उनको कैसा लगा। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, ये जब सीएम यहाँ पे आए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अब की बार 400 पार की जो नाराएं लगाए जा रहे हैं, क्या वो नारा पूरी होगी? पूरी होगी। कितने बहुमत से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत होगी? भाजपा ही जीतेगा। क्या क्या योजनाएं जब से मुख्यमंत्री बनाए, क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है? बहुत लाभ मिला। क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है, पैसा डाल रहा है कांग्रेस, मतलब झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कांग्रेस झूठ बोल रहा है? कितना पैसा अभी तक आपको डाला है? नहीं डाला अभी तो। आपने कहा ना पैसा डाला है? नहीं डाला। मातारी वंदन योजना का जो पैसा मिल रहा है आपके घर में जो माता बहने हैं? मिल रहा है। अब देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति
बीजेपी का नारा बोल रहा है, मोदी जी के नारे बोल रहे हैं, और जिस योजना को उन लोग लागू किए हैं, जो मुख्यमंत्री बनकर अभी 3.5 महीने हो चुके हैं, लगातार वो जो वादे कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो पूरा हो रहा है। लोग उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ के बस्तर के लोग खासतौर से पीएम मोदी को ब्रह्मा के अवतार में देख रहे हैं, और उसी में आपको बता दूं सीएम जो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं उनको जो विष्णु के अवतार में देख रहे हैं, वहीं पे जो बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप को उन लोग महेश का अवतार देख रहे हैं। लगातार उनके लिए हम लोग बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार त्रिदेव के अनुसार इन लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बगैर हमारी बात नहीं चल सकता है, ऐसी बात करना राजा आपका नाम क्या है, क्या लगता है जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं कैसा लग रहा है, बीजापुर में पहली बार पहुँचे? हाँ, पहली बार पहुँचे, क्या लगता है अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो इस बार भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ आएगी। कितने सीट आ पाएंगे, 11 के 11 सीट पूरा आएंगे? हाँ, 11 के 11। क्या लगता है आपको अभी तक कितने योजनाओं का लाभ मिला है? फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।